मेहनत जितनी थी उतनी राउंड ऑफ आपकी नहीं है। So, एक बार जबरदस्त राउंड ऑफ के साथ मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगा ऑल द डायरेक्टर्स प्लीज आप सभी लोगों के पास 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 डायरेक्टर्स और 12 मिनट मेरे 2 मिनट लिए इनके 30 सेकेंड हो गए। अब माइक एक दूसरे से छीनने की जिम्मेदारी आपकी है लेकिन आप सभी लोगों को 12 मिनट दिए जाते हैं। एक मिनट के लिए ये माइक आपका, जो बोलना है वो बोलो लेकिन कुछ ऐसा बोलना इनके अंदर करंट लग जाए, ये मजबूर हो जाए इस चेयर्स के ऊपर क्लैपिंग कर, चेयर्स के ऊपर। और आप में से कौन है जो पहले माइक लेना चाहेगा, जिसके पास ज्यादा टाइम हो, जिसका पहले हाथ उठ गया उठाया शिवम जी। ओके सो एक बार जबरदस्त राउंड ऑफ के साथ शुभम जी नाम तो जानते हैं, शिवम नाम है मेरा। इसकी फील्ड से स्टार्ट कर रहा था, बीकॉम सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ फ्रेंड। मैं यहाँ पर सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा अपने भगवान का जिन्होंने मुझे सामी ज्वाइन करने की नहीं, सामी में काम करने की बुद्धि दी, क्योंकि ज्वाइन तो काफी सारे लोग करते हैं लेकिन मैंने बीच में छोड़ा मेरी, इसलिए मैं अपनी सभी अपलाइंस का धन्यवाद करना चाहूंगा यहाँ पर। मिस्टर आनंद सर, अब्दुल्ला सर, नसीम सर, काजिब सर, सुमेर सर, अनस सर एंड आलम सर, जिन्होंने मुझे स्पीड से उठा के यहाँ तक स्टेज पे ला के खड़ा कर दिया कि शिव अभी तुम भी कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ 4 लाइन के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। बुलबुल के पर कभी बाज नहीं होते, बुलबुल के पर कभी बाज नहीं होते, फ्रेंड ध्यान से सुनिएगा, बुलबुल के पर कभी बाज नहीं होते, हरामखोर के हाथ कभी कोई राज नहीं होते, बुलबुल के पर कभी बाज नहीं होते, हरामखोर के हाथ कभी कोई राज नहीं होते, अक्सर झुक कर चलते हैं वो लोग जिनके सिर पर कभी कोई राज नहीं होते। करता गया से 5 दिन पहले 26 दिसंबर के अंदर 1,00,000 रुपए की सीवी हॉर्नेट अपने आप को गिफ्ट करी। नेक्स्ट टारगेट इसके लिए यार 25 साल की उम्र में 1,00,000 रुपए की बाइक की जो 5 दिन पहले ही मैंने अपने आप को गिफ्ट करी है। नेक्स्ट टारगेट इससे मेरा यह है 20 मार्च मेरा बर्थडे, आईफोन 6s 30,000 रुपए को मैं अपने आप को गिफ्ट करूंगा। कमेंट करें। थैंक यू सो मच। आमिर सर, और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा नसीम सर का जिन्होंने मुझे इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म दिया और नसीम सर के लिए राउंड ऑफ अप्लॉज। डेली यूनिवर्सिटी से पास आउट करने के बाद मैंने बहुत बिजनेस किया, जॉब भी किया, मतलब मैं उसमें फेल रहा क्योंकि मेरे फादर जो थे गल्फ के इंजीनियर थे पूरे गल्फ के, मगर यहाँ आके फ्लॉप हो गए। बैंक बहुत मजबूत थी मगर कोई रास्ता नहीं था सही वाला जिसको हम सही से बिजनेस कर सकें, सारे बिजनेस में फ्लॉप हुए। उसके बाद नसीम सर ने मुझे ये रास्ता दिखाया जो सबसे बेहतरीन रास्ता है और मैंने उस रास्ते पे नसीम सर के सिखाए रास्ते पे चलना शुरू किया और उसके बाद धीरे धीरे सक्सेस हासिल करना शुरू की। मेरा पहला अचीवमेंट इस सामी की इनकम से सैमसंग का मोबाइल था।
सेकंड अचीवमेंट मैंने अपने इस, क्योंकि छोटी छोटी बातें होती हैं मगर सामी की इनकम से है उसकी बात ही अलग है। सेकंड अचीवमेंट मैंने पूरी फैमिली को विंटर की शॉपिंग सामी की इनकम से कराई। उसके बाद पहला ट्रैक मैंने जो डायरेक्टर लेवल का है वो अचीव किया और इंशाल्लाह मेरा आप सबसे वादा है कि नेक्स्ट टैग जो है ब्रॉन्ज डायरेक्टर की सीट रिजर्व होगी मेरी इंशाल्लाह। मेरी वजह से नहीं हुआ, अल्लाह के हुक्म से अपलाइन की मदद से और डाउनलाइन की मदद से हुआ है। और नेक्स्ट मंथ जनवरी के सेकंड वीक में इंशाल्लाह मैं अपने आप को 1,10,000 रुपए एक बाइक गिफ्ट करने वाला हूँ सामी की इनकम से। मैं अपने सभी एक बार राउंड ऑफ चाहूंगा। मैंने स्टडी करता हूँ, लेकिन स्टडी के साथ में मैंने सामी डायरेक्ट को स्टार्ट किया था। जो कि मेरा मालिक मेरा बहुत उससे करवाना चाहता था, लेकिन सामी डायरेक्ट का नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मैं वो कर सकता हूँ, जो कि मेरे सपने थे, मैं करना चाहता था, और इसलिए मैंने जॉब को क्विट कर दिया। अब तक की जिंदगी के बीच मेरे बहुत सारे चैलेंज आए, बहुत सारी दिक्कत आई, मैं चलता रहा, टीम बनाई फिर टूटी, फिर बनाई फिर टूटी। सर गवाह में झूठ तो नहीं बोलना, बहुत बार टीम बनाई और टूटी, लेकिन गिव अप नहीं करा, क्योंकि एक चीज क्लियर हो चुकी थी कि चलते रहना है, रुकना नहीं है। फिर अगर चलते रहे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। क्योंकि एक बहुत मशहूर शायर ने कहा है कि चलने वाले निकल गए, जो ठहरे जरा वो कुचल गए। कि अगर आप चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर ठहरने जरा भी रुक गए तो आप कुचल जाएंगे, फिर कहीं नहीं जा सकते। हम तो अकेले ही चले थे जाने से मंजिल, साथ में आते आंखों में मंजिल थी। अभी तो सिर्फ सफर का इरादा क्या है, ना हारे थे हौसला कभी, ना कभी हारेंगे, किसी और से नहीं खुद से यह वादा है। और अपने डाउनलाइन में एक डायरेक्टर बना चुका हूँ, दो साल पहले इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। मैं नदीम सर की डाउनलाइन से आता हूँ, मेरे कॉलेज फ्रेंड है वो। मैं आज लगभग 4 महीने के बाद इस बिजनेस में दोबारा आया हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, मैं डाउन था बिल्कुल। मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया बट मैं नहीं उठा, क्योंकि मैं अकेला हूँ घर का करने वाला। मैं इससे भी करता हूँ सामी से, और मेरा पहले बिजनेस था वो मेरा डाउन हो गया। अब मेरी एक छोटी सी शॉप है स्टेशनरी की, मैं उसके साथ साथ पार्ट टाइम इस चीज़ को करता हूँ। और जैसा आप लोगों को सबको पता है कि आज 31 दिसंबर है, कल नया साल शुरू होने वाला है, तो कल से इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा सर। बिल्कुल, थैंक यू सर। फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थोड़ा जोर से, ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू।
अरे जोर से कर दो भाई, इन्हें मजा नहीं आ रहा। सर नाम हैदर है, मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ। ये आज से एक साल पहले बिजनेस को स्टार्ट किया, और जब स्टार्ट किया था तो अभी एक साल के अंदर मेरी 160 लोगों की टीम हो गई थी, लेकिन वो किसी वजह से, किसी दिक्कत की वजह से वो पूरी की पूरी टूट गई। बट आज भी मैं डिमोटिवेटेड नहीं हूँ। लग रहा है आपको मैं डिमोटिवेट हूँ? तो यार कुछ लोग होते हैं, कुछ लोगों की टीम टूट जाती है भाई। एक बंदा साइड में आया और वो छोड़ करके चला गया और वो चले जाते हैं। मुझे याद है घर वाले भी मेरे इतने निगेटिव हैं इस बिजनेस को लेकर के, और निगेटिव थे और अभी भी हैं। लेकिन मेरे मम्मी और पापा मुझे घर से नहीं निकलने दे रहे थे कुछ दिनों के लिए, मेरे को मतलब के घर में ही रुका दिया था उन्होंने, और बोल दिया था कि अगर घर से बाहर निकलेगा तो तू सामी करेगा, और बोल दिया गया था कि अगर तूने सामी करी जिसके साथ में भी तुझे गया वो तो हिमायती सबसे पहले पीटेगा, तो मुझे बोल दिया गया था। बट उन्हीं दिनों क्या हुआ, दिल्ली की एक ट्रेनिंग आ गई, ना घर से पैसे मिल रहे और ना मैं यहाँ से कमा रहा, क्योंकि काम इस टाइम पर टीम टूट गई थी, तो मैं यहाँ से भी पैसा नहीं कमा रहा था सामी डायरेक्ट से, और घर से भी पैसे नहीं मिल रहे थे। बिलाल सर का फोन आया अपलाइन का, उन्होंने कहा भाई हैदर जी कल को दिल्ली चलना है। सर 5 दिन तक दिल्ली जानेंगे, लेकिन डिसाइड नहीं कर पा रहा था कैसे जाऊंगा, केवल जेब के अंदर 30 रुपए पड़े थे। 30 रुपए सर सही है ना? सर 30 रुपए पड़े थे, और सुबह में फोन आया बिलाल सर का, भाई चल रहे हो नहीं चल रहे हो? मैं बिलाल सर से पहले स्टेशन पर पहुंच गया था, और वहां पर जाने के बाद में फ्री गया और फ्री आया। 30 रुपए का मेट्रो का टिकट लिया, 15 रुपए का दरगा, बाकी लटक करके आया। दोपहर में ट्रेनिंग भी नहीं करी, दोपहर में खाना भी नहीं खाया, 1 बजे ट्रेनिंग होनी थी, खाना भी नहीं खाया। अप्लाई ने बोला खाना खा लिया, सर खा लिया, लेकिन ट्रेनिंग ली, और उसी की बदौलत आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। और सर सर अगर मालदार करोड़पति बनूंगा ना तो इसी इंडस्ट्री से बनूंगा, और टीम दोबारा खड़ी कर रहा हूँ मैं सर, और खड़ी कर लूंगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जोरदार तालियां बजाना सख्त मना है। इसी बात पे एक लाइन था, मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनसे मैंने चुराई थी, मैं माफी चाहता हूं उनसे। तालियां वो नहीं बजाते जिनके हाथों में क्या था, मैं बोल देता हूँ, तालियां वो नहीं कम होता है, तालियां वो लोग मैं ही बोलूंगा, तालियां वो नहीं बजाते जिन्हें कोई कम होता है, तालियां वो लोग बजाते हैं जिनके हाथों में। लगभग 2.5 साल पहले सामिक जर्नी को स्टार्ट करा था, इसी तरह के एक इवेंट हुआ था दिल्ली के, तो वहां पर गए को देखा कि यार वो अचीव कर रहे हैं आज के टाइम में, अपने आप को वहीं पर डिसाइड कर रहे हैं कि लाइफ को अगर कामयाब कर रहा है तो इसी से कर रहा है, वरना कोई और रास्ता नहीं है मेरे पास। लाइफ को कामयाब कर रहा है तो यहीं से कर रहे हैं। फिर स्टार्ट करा सामिक को, मोटिवेट होकर के स्टार्ट करा, स्ट्रगल है लाइफ के अंदर, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है 11 महीने के अंदर, क्योंकि अभी मैम ने बोली थी एक लाइन, आपको ध्यान हो सुमेरा मैम ने अपनी ट्रेनिंग के अंदर, कि अगर कोई बंदा मोटिवेट यहाँ पर है तो समझ आता है, क्योंकि यहाँ तो हर कोई मोटिवेट रहता है, जब यहाँ पर आकर मोटिवेट होता है तो मजा वहां पर आता है। मैं हमेशा यहाँ पर मोटिवेट के अंदर हमेशा मैं यहाँ मोटिवेट रहा। आज मैंने आपको सुमेर सर एंड अब्दुल्ला सर की सपोर्ट से, एक बार राउंड ऑफ शाबाश सर के लिए, इन दोनों लोगों की वजह से, इन दोनों लोगों की वजह से अपने आपको 1,00,000 रुपए की यामा एफसीएस अपने आपको गिफ्ट कर दी, 1,00,000 रुपए की, इन दोनों लोगों की सपोर्ट से। थैंक यू सो मच।